जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने शहरी निकाय विकास कार्यों की कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। इस दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत सभी विद्यालयों का सुंदरीकरण होना है, जिसमें विद्यालय की दीवार, शौचालय, बोर्ड आदि शामिल है। इसलिए सभी अधिकारी कार्यों को शीघ्रतापूर्वक पूरा करवाएं। उन्होंने कहा कुछ विद्यालयों का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत विद्यालयों का कार्य बाकी है। इसी तरह विद्यालय के सड़क व गांव कच्ची गलियों में सड़क बनना है। जितना जल्दी हो सके बरसात से पहले कार्यों को पूरा किया जाए। इसके अलावा जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन पर भी कार्य होना है। उन्होंने कहा कि जितने भी हैंडपंप गाँव में खराब हैं उन सबको ठीक करवा दिया जाए, क्योंकि बरसात में पानी की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है और लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं। इसीलिए सभी हैंडपंपों को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उनको वो एक तो एनजीटी का ऑर्डर दिखा दीजिए, जो शासन है जो भी आ गया है वो भी बता दीजिए कि ये तो सभी जगह हो रहा है। ये भी बताइए कि इन्हें जगह तो चल के रहा, ये आवश्यक है तो सभी जगह बनना है। उसमें भी बहुत ज़्यादा लागत, तो 3 लाख एक विद्यालय है सर जिसकी लागत सर 54 लाख रुपया है। हाँ, वो नॉर्मल है, काफ़ी बड़ा है न, उसमें सर टॉयलेट है, रास्ता है सर, पानी की कोई व्यवस्था है नहीं। तो देखिए कायाकल्प में जो सारे विद्यालय को आपको एक तो सारे विद्यालय लेना है जी। ये दिन सर कई पिछली कई मीटिंग्स में उन्होंने बोला है, आप उन्होंने कुछ लिए भी है अभी नहीं है सर, लेकिन अभी संख्या बहुत कम है। अब जैसे सहजनवा में 12 है, उनके 3 में काम हो चुका है, अभी भी 6 अभी देना बाकी है। इसी तरह से पीपीगंज में भी 10 में से उन्होंने 9 में काम शुरू कर दिया है, अच्छा है उनका। और पिपराइच में 12 में से 3 उसी अभी दिया है। सहमत नहीं हो रहा है सर, और जो ज़्यादा हो जा रहा है उसका नहीं। तो देखिए वो तो आपके जनरल साहब बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो तो मुझे लग रहा है स्कूलों में, और स्कूलों में सर कच्ची गली हो रही, दो चीज़ों में कहने के बाद भी, बार बार कहने के बाद भी सर वो नहीं कह रहे हैं। एक सर वो यही एक एक इनका एक उन लोगों की भी मीटिंग कर लेते हैं आप लोग साथ में, तो ये थोड़ा सा मतलब क्लियर रहना चाहिए। ये चीज़ें प्रायोरिटी में, ये भी प्रायोरिटी सर लगभग बन चुका है। कच्ची गलियाँ, जैसे कच्ची गलियाँ हर एक वार्ड में, ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। डी एम साहब भी इसके पहले दिन से बात इसमें कर रहे हैं, कच्ची गली में काम होना है। कच्ची गली पहले दीजिए, विद्यालय सब दीजिए, ये सब अच्छे आपके रहना चाहिए। वहाँ पर वोटिंग होती है, सब कुछ होता है ना, विद्यालय बहुत रहना चाहिए। तो ये विद्यालय ना जो, फिर आंगनबाड़ी केंद्र भी आपको लेना है, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें भी आप अपना उम्मीद सब उनका भी अच्छा से काम करना है। इसमें आपका एक 3 विद्यालय का पूर्ण हो गया है, ठीक है, 4 हमने लिए थे, 3 पूरा हो गया है, और एक विद्यालय का कार्य प्रगति पर है, टेंडर की कार्य प्रगति पर है, वो फाइल हमें वो भेजिए, आपने भेज दिया है उनको, भेजिए जल्दी। उनमल में भी 2 विद्यालय स्वीकृत जिला मुख्यालय पर पत्र भेजिए, आपने भेजा है आगे बात हो। हैंडपम्प की स्थिति सर आपको सही है, जो 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 खराब हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं। हैंडपम्प तो खराब है, सही हो जाएंगे, लेकिन हैंडपम्प डिस्करेज करना चाहिए और पेयजल वाला की ओर हमें जाना चाहिए। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और आप अभी हैंडपम्प की बात कर रहे हैं। हैंडपम्प मरम्मत में सबसे ज़्यादा किस नगर निकाय ने खर्च किया है, किसने खर्च किया है? ठीक, इसको देखते रहना चाहिए, इनको भेज देते हैं, ये जो इसमें लगे हैं ना, ये रेसिडेंट विजिट में होकर आप जाओ, अगली बार एजीएम को बुलाएंगे मीटिंग में सर, इस बार आप लोग अपना हो रही है सही है। पानी का सर वैसे कोई इशू नहीं है? नहीं, इशू मैं बताता हूँ। हाँ, बस पानी की टेस्टिंग हुई है क्या? पानी की टेस्टिंग हुई है, जल निगम से पानी की टेस्टिंग किट्स ले लीजिए और टेस्टिंग करवाइए। कहीं कहीं नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है तो मुझे यार एडीएम साहब को बता दीजिए क्या करना है, देख लेते हैं। दूसरा, जो किसी जगह पे आपने आरओ प्लांट्स लगाए हैं लोगों के लिए, किसी ने लगाए हैं? जी सर, मेरा भी मतलब कितने आरओ प्लांट हैं? 5 सर लगे हैं। आप सभी अपना डेटा दे दीजिए इनको, हाँ जी, बाकी कहीं जरूरत नहीं। दूसरा, तीसरा, कितने हाउस होल्ड कनेक्शन से आच्छा देते हैं? आपको पता है 2024 तक हमें हर घर तक पानी पहुंचाना है, कितने घर आच्छादित हैं ये बताइएगा परसेंटेज वाइज, और शेष के लिए आपकी योजना
बहुत सारी योजनाएं चल रही है सरकार ने इसके तरफ, इसके लिए अमृत से लेके उनमें आपको लगाना चाहिए, तभी मैं मानूंगा पेयजल संतृप्त है। ठीक है,